हेलो फ्रेंड, मैं हैदर और आज हम बनाने वाले बहुत ही स्पेशल रेसिपी कंधारी मशरूम। आज हम बताएंगे आप अपने होटल रेस्टोरेंट में बहुत ही आसान तरीके से कंधारी मशरूम कैसे बना सकते हैं। बहुत ही न्यू रेसिपी, एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट होता है। तो आपने क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है लास्ट तक, बिना स्किप किए चलिए रेसिपी को हम शुरू करते हैं। तो कंधारी मशरूम बनाने के लिए तो हमने मशरूम ले लिया है, मशरूम को हमने पानी में भिगो लिया था। आपने क्या करना है, मशरूम को अच्छे से धुल के पानी में डाल देना है। सबसे पहले आपने इसकी डंडी निकाल लेना है, जो मशरूम की डंडी होती है उसको आपने साइड में रख देना है। अब इसको हम बॉयल करेंगे, तो हमने पानी चढ़ा दिया था बॉयल होने के लिए। अब इसमें हम मशरूम ऐड कर दे रहे हैं, तो आपने मशरूम को सारा ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून नमक। नमक डालने से क्या होएगा, मशरूम में जो भी गंदगी रहेगी वो साफ़ हो जाएगी, तो आपने इसमें नमक ज़रूर डालना है। अगर आप तंदूरी स्टफ मशरूम बना रहे हैं तो आप इसमें हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम कंधारी मशरूम बना रहे हैं तो हम इसमें हल्दी यूज़ नहीं करेंगे, वरना हमारा मशरूम का कलर पीला हो जाएगा। जब तक हमारा मशरूम बॉयल हो रहा है, तब तक हम स्टफिंग का मसाला बना लेंगे। तो हमने 1 टेबल स्पून डाला है पनीर ग्रेट हुआ, साथ में हमने ऐड किया है 1 टेबल स्पून अमूल चीज़, साथ में हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1/4 स्पून अनारदाना। तो आपने अनारदाना ड्राई वाला, सूखा वाला डाल देना है इसमें। साथ में 2 पिंच हम इसमें ऐड कर रहे हैं चॉप चिल्ली यानी हरा मिर्चा, आपने डाल देना है। साथ में 1 टेबल स्पून आपने हरी धनिया डाल देना है यानी ग्रीन कोरिएंडर। 1/2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला। 1/4 स्पून हम इसमें ऐड कर रहे हैं ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का क्रश हुआ। साथ में 1/4 स्पून इसमें हमने ऐड किया भुना जीरा। 1/4 स्पून इसमें आपने ऐड कर देना है इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने के बाद आपने बढ़िया तरीके से इसको मिला लेना है। तो आप देख सकते हैं हम कैसे मिला रहे हैं इसको। बढ़िया तरीके से मिलाने के बाद हम इसमें मशरूम के अंदर इसको स्टफिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं कंधारी का कलर कितना बढ़िया आ गया है। तो आपने ऐसे ही बिल्कुल कंधारी मशरूम का मसाला बना लेना है। अब इसकी हम स्टफिंग करेंगे। तो हमारा मशरूम बॉयल हो गया था, जिसको हमने छान लिया था। 2 मिनट आपने बॉयल करना है, ज़्यादा नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं हमारा मशरूम बॉयल हो गया था, हमने पानी मशरूम का निकाल लिया है। पानी निकालने के बाद अब इसको हम स्टफिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं आपने मसाले को स्टफिंग कर लेना है मशरूम के अंदर। तो एक पीस हम आपको दिखाते हैं मसाला हमने कैसे स्टफिंग किया है। तो आप देख सकते हैं स्टफिंग ऐसे करके आपने दोनों को मिला लेना है यानी जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद सारा हम एक ही इसी तरह सब हम कर लेंगे। करने के बाद हम इसको रखेंगे बॉल में। तो आपने इसको रख देना है बॉल में, उसके बाद हम बनाएंगे मसाला। तो आप देख सकते हैं हमने मशरूम को बॉल में रख लिया है एक ठो। अब इसका हम मसाला बना लेंगे। तो मसाला बनाने के लिए हमने 1 टेबल स्पून इसमें ऐड किया हैंकड़ यानी दही, और 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर रहे हैं काजू का पेस्ट क्रीम, साथ में जो हमने ऐड किया है। साथ में हम 1/4 स्पून इसमें ऐड कर रहे हैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट। 1/4 स्पून इसमें हमने ऐड किया है ग्रीन चिल्ली का पेस्ट। 1/4 स्पून इसमें हमने ऐड किया ब्लैक सॉल्ट। 2 पिंच हम इसमें ऐड कर रहे हैं इलायची पाउडर। साथ में 2 पिंच हम इसमें ऐड कर रहे हैं सॉल्ट यानी सफ़ेद नमक। तो आपने डाल देना है। डालने के बाद आपने 2 पिंच आपने इसमें ऐड कर देना है चाट मसाला। चाट मसाला डालने के बाद अनार का आपने 1 टेबल स्पून भर के जूस डाल देना, इससे बहुत ही बढ़िया मसाले में आपके कलर आएगा। तो आपने क्या करना है, इसमें डालने के बाद 1 टेबल स्पून आपने इसमें ऐड करना है रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल ऐड करने के बाद आपने मसाले को बढ़िया तरीके से मैश कर लेना है यानी मिला लेना है। तो आप देख सकते हैं हम कैसे मिला रहे हैं, बिल्कुल आपने इसी तरीके से मसाले को मिला लेना है। और आपका मसाले का कलर, कंधारी का कलर ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल एकदम सफ़ेद आपने नहीं रखना है, ऐसे कलर में आपने बनाना है, थोड़ा सा अनारदाने का कलर में आ जाए आपका। तो आपने क्या करना है, स्टफिंग का मशरूम सारा आपने इसमें डाल देना है। डालने के बाद बढ़िया तरीके से आपने मसाले में इसको लगा लेना है। तो आप देख सकते हैं हमने कैसे इसको लगा रहे हैं और कैसे मिला रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आपने मिलाना है। और आपने वीडियो को पूरा देखना है, मैं बताऊंगा अनारदाना कौन सा इसमें डाला है और कौन सा अनारदाना यूज करना है आपने। अभी हम वीडियो के आगे आपको बताते हैं। तो आपने क्या, अगर आपके पास अनारदाना नहीं है तो आप क्या यूज कर सकते हैं, आपको मैं उसको भी हम मैं आगे वीडियो के बताएंगे। तो आपने क्या करना है, पनीर टिक्के वाली सरिया में मशरूम को एक एक करके फंसा लेना है। तो आप देख सकते हैं हम मशरूम को फंसा रहे हैं। तो अभी भी आपने वीडियो को पूरा देखना है। अभी हम इसका सॉस बनाएंगे, जो कि आप थंबनेल में देख चुके हैं हमने मशरूम के ऊपर लगाया हुआ है। तो वो कैसे बनाएंगे आपने उसको भी देखना है। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। सारा मशरूम के ऊपर हम मसाला लगा लेंगे। मसाला लगाने के बाद हम इसको तंदूर में रोस्ट करेंगे। अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, स्टिक में फंसा के मशरूम को तवे में भी लगा के सेक सकते हैं।
तो आपने क्या करना है, अगर घर में बनाना है तो तवे में आप बना के भी इसको सेक सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है घर में अगर बनाना चाहते हैं तो। हम रेस्टोरेंट होटल में बना रहे हैं तो हम इसको तंदूर में सेकेंगे, तो आप देख सकते हैं हमारा मशरूम लग गया। अब इसको हम तंदूर में ऐड कर देंगे। तो आपने क्या करना है, मशरूम को तंदूर में डाल देना है और 6 से 7 मिनट आपने बढ़िया तरीके से इसको पका लेना है। तो जब तक हमारा मशरूम पक रहा है तब तक हम इसका सॉस बना लेंगे। तो हमने 1 टेबल स्पून इसमें डाला हैंकर्ड, 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर रहे हैं फ्राई किया हुआ गार्लिक यानी लहसुन, आपने ब्राउन कर लेना है हल्का, उसके बाद डाल देना है। साथ में 1 टेबल स्पून आपने इसमें डालना है कोरिएंडर यानी हरी धनिया, 1 टेबल स्पून आपने 1/4 स्पून आपने इसमें ऐड करना है चाट मसाला। साथ में हम 2 पिंच इसमें ऐड किया है अनारदाना। तो अनारदाना ये नहीं है, हमारे पास अनारदाना नहीं था तो हमने इसमें चुकंदर का यूज़ किया है यानी बीट। तो आपने बीट रूट को यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास अनारदाना नहीं है कलर के लिए। तो हमने इसका कलर के लिए बीट रूट का यूज़ किया है ताकि हमारा अनारदाने की तरह कलर आ जाए। तो आप देख सकते हैं हमारा 6 से 7 मिनट हो चुका है, मशरूम बहुत ही बढ़िया तरीके से पक गया है। अब इसको हम निकाल के आपको प्लेटर में दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमने एक एक करके सारा प्लेटर में मशरूम को निकाल लिया है। निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम सॉस लगाएंगे जो कि हमने बना के रखा है। तो सॉस आप गर्म कर लें थोड़ा, या आप तंदूर के साइड में रख दें, इससे क्या होएगा ठंडा नहीं रहेगा सॉस। आपने तंदूर के बगल में सॉस को रख देना है। तो आप देख सकते हैं हमने मशरूम के ऊपर सॉस को डाल दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को दूर तक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो।